हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं वर्षा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे कर दीजिए और इसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये पोहा पोटैटो बॉल्स बनाना बहुत ही ज्यादा ईजी है और इसमें हमें दो ही मेन इन्ग्रीडियंट्स की जरूरत है। ये क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इन क्रिस्पी क्रंची बॉल्स को। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक बॉल भीगा हुआ पोहा, ये रेगुलर पोहा है, और इसके साथ मैं ले रही हूँ ये तीन मीडियम साइज के बॉइल्ड आलू। यहाँ पर इन बॉल्स को बनाने के लिए दो ही मेन इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और बाकी सारे ऑप्शनल हैं। सबसे पहले मैंने ये आलू को ग्रेट कर लिया है और इसके साथ मैं ले रही हूँ स्लाइस्ड चीज। मेरे पास अभी स्लाइस्ड चीज अवेलेबल था, अगर आपके पास क्यूब प्रोसेस्ड चीज है या फिर मोजरेला चीज है तो आप किसी भी चीज का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए इन बॉल्स का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ये भीगा हुआ पोहा और इसमें मैं डालूंगी ये ग्रेटेड आलू। आलू के साथ अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्ची और हरी मिर्च। आप इस तरह की बॉल्स में बहुत सारी अलग अलग तरह की सब्जियों का भी यूज कर सकती हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो हमारे पास इतने ज्यादा सामान अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो आप उनका यहाँ पर यूज कर सकती हैं। जैसे कि मेरे पास शिमला मिर्च और अनियंस थे तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अगर आपके पास ग्रेटेड, यहाँ पर आप गाजर भी डाल सकते हैं, कॉलीफ्लावर डाल सकते हैं, कैबेज डाल सकते हैं, इवन आप इसमें बीन्स भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसमें सारी सब्जियां ऑप्शनल हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये एक चम्मच सॉल्ट। यहाँ पर सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। यहाँ पर आप अलग अलग मसालों का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि गरम मसाला वगैरह। यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला है। आप अगर लहसुन और अदरक का पेस्ट पसंद करते हैं तो उसमें इसे भी डाल सकती हैं। मैंने इसमें अनियन और अदरक नहीं डाली है। अब मैं इसकी एक बॉल्स बना रही हूँ और बीच में इसका एक होल करके इसमें ये चीज की क्यूब्स रख दूंगी। ये बहुत ही इजी है और आप इसे बिना चीज के भी बना सकती हैं, लेकिन अगर आप इसमें चीज डालेंगे तो ये आपके बच्चों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि फ्राई करने के बाद ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाता है और ये बच्चों के लिए एक परफेक्ट रेसिपी बन जाती है। तो कुछ इसी तरीके से मैंने ये सारी बॉल्स को बना लिया है। ये सारी बॉल्स हमारी बनकर रेडी हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया है और इसे हम फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। आप ध्यान रखिए कि इन बॉल्स को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर आपका यहाँ पर ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होगा, ठंडा होगा, तो ये बॉल तेल में जाकर फट भी सकती हैं, इसलिए आप यहाँ पर इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई कीजिए। इसे हमें पलटा पलटा कर गोल्डन होने तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है और ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी, तब तक इसे आप फ्राई करते रहिए। फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस लॉकडाउन टाइम में बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही बढ़िया चीज़ें बना सकती हैं अपनी फैमिली के लिए। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि इसमें हमें पोहा और आलू दो ही मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ये क्रिस्पी क्रंची बॉल्स रेडी हो जाती हैं। तो देखिए इनका बहुत ही बढ़िया ये गोल्डन ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया है और ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गई हैं और इनके अंदर का चीज़ भी बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है और इनका चीज़ अब बाहर भी दिखने लगा है। तो हमारी ये बॉल्स अब अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं, हम इन्हें ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही कम सामान के साथ बनी हुई ये क्रिस्पी क्रंची बॉल्स बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आप इन गर्मा गर्म बॉल्स को टोमेटो केचप, हरी चटनी या फिर शेजवान चटनी के साथ भी सर्व कर सकती हैं, क्योंकि हमने इनमें बहुत ही कम मसाले का यूज़ किया है या फिर मसाला डाला ही नहीं है। तो आप इसे शेजवान चटनी के साथ भी सर्व कर सकती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और आप इसे बच्चों को ज़रूर बनाकर दीजिएगा, क्योंकि इसमें चीज़ डाला है और वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। देखिए इसमें चीज़ कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है और ये दिखने
दिखने में बहुत ही ज्यादा यम्मी लग रहे हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी क्रंची हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट। आई होप कि इस तरह की ये क्रिस्पी क्रंची बॉल्स आपको पसंद आएगी और ये बहुत ही कम सामान के साथ प्रिपेयर हो जाती है। आपको मार्केट से किसी भी स्पेशल इंग्रीडियंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मेरे एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर योर टाइम।